बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो सजाओं का हामी नहीं हूं, मैं एक सियासी कारकुन हूं। सियासी खानदान में मेरी पैदाइश हुई है। 80-85 साल का हमारा सियासी सफर है, वो जद्दोजहद का ही सफर है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें। ये तो गलती का एतराफ है और एक दूसरे को माफ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है। और अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मजीद बर्बाद कर देंगे। मेरी ये जाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा आगे गलतियां नहीं करेंगे। और जो गलील इल्जाम हम एक दूसरे पर लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। ताकि वो गलील इल्जाम जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा। बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो है वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूं। मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और कहें कि हम अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जितना मर्जी ना पसंद है हमें एक दूसरे की शक्ल, और जितनी मर्जी तलखी है एक दूसरे के साथ, रास्ता बातचीत से निकलेगा, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा जो ज्यादती करता है, जो भी हमें से करता है, जो झूठ बोलता है, जो इंट्रीग करता है। इस तरह नहीं होता कि पहले किसी को रगड़ो रगेदो, रियासती इदारे मिलके तो वो उनको खराब करे, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो साजिश के जरिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी मौजूद हों, सहाफी भी बाज मौजूद हों, और एक बेनिफिशरी बन जाए एक पार्टी, उसको इम्पोज कर दो, चलते हुए मुल्क को खराब कर दो, जेलों में डाल दो, उनके घर वालों को उनको मेंटल टॉर्चर करो, मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दो। तो नाज़रीन आप